हर हर महादेव आज आप लोगों को एक ऐसे जगह के त्रिशूल के दर्शन कराएंगे जो माता पार्वती का त्रिशूल है और आज तक यहाँ पे कोई भी खोज नहीं कर पाया है ये त्रिशूल कौन सी धातुओं से बना है और कितना अंदर गहराई तक है। बताते हैं ये त्रिशूल सीधा नीचे पाताल लोक तक गया है। आज आप लोगों को दर्शन कराते हैं उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर से। हर महादेव, मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ। अब आप सोचेंगे ये तो वाराणसी नहीं है। आपको बता दूं पूरे विश्व में तीन काशी हैं, एक है गुप्त काशी और एक है उत्तर काशी और एक है काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे इस काशी विश्वनाथ मंदिर के जो कि उत्तर काशी में स्थित है। आपने तीन काशियों के तो नाम जरूर सुने होंगे, एक काशी विश्वनाथ जो कि बनारस की है, दूसरी काशी उत्तर काशी, तीसरी काशी गुप्त काशी। इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा करी गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है वो प्राचीन त्रिशूल जिसकी आज हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, यहाँ पर भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है। आप लोगों को दर्शन कराते हैं अंदर चलकर काशी विश्वनाथ के। आपको बता दें ये जो काशी है यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और ये उत्तर काशी जिले में स्थित है। और आप सभी को बता दूं चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव में से एक है। जब आप लोग गंगोत्री जाएंगे तब आप लोग इस जगह पे आके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो कि केदारनाथ की तरह है। इस मंदिर की और इस त्रिशूल के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को। त्रिशूल है शक्ति के रूप में है। बहुत पहले अनादि काल में देवासुर संग्राम हुआ, माने देव और असुरों का युद्ध हुआ, उस समय असुरों के वध करने के लिए स्वर्ग रूप से गिरा हुआ है। इसके द्वारा मैया ने असुरों का संहार किया है। असुरों के संहार करने के बाद त्रिशूल यहाँ पे स्थिर हुआ है और यहाँ से नीचे पाताल में भगवान शेषनाग जी के सतह गया हुआ है। अच्छा। इसको अनेकों बार सैकड़ों फुट खोदा गया, इसकी गहराई का आशक प्रमाण नहीं है कि नीचे कितना गहरे जमीन के अंदर गया हुआ है, कौन सी धातु का, किस तत्व का, किस द्रव्य का देवताओं ने इसे बनाया, कई बार जांचा गया, आशक प्रमाणित नहीं है कौन सी धातु और किस चीज से ये बना हुआ है। इसके घर में गोलाकार एक कलश बना हुआ है जो कि 13वीं शताब्दी में आज से 700 वर्ष पहले ये बाहर से बनाया गया और ये अष्ट धातु से बना हुआ है। बाकी इतना अनंत विशाल होते हुए इसमें हम एक उंगली से स्पर्श करते हैं इसमें कंपन होता है, ये हमें हिलता हुआ दिखाई देता है, सामान्यतः देखा जाता है। अगर मानव किसी चीज़ को बनाता है जमीन में, सामान्यतः जमीन में ठोस हो जाता है और कभी हिला नहीं करता है, परंतु तो इतना वजनीय है, विशाल है, इसको हम एक उंगली से स्पर्श करो तो ये हिलने लगता है। इसके हिलने के पीछे रीज़न यही है क्योंकि देव निर्मित देव स्थापित है, मैंने देवताओं ने इसका निर्माण किया है और देवताओं ने इसकी स्थापना की है जिसका नाम ही शक्ति है। एक प्रकार की शक्ति ये भी है, मैं हिलता हुआ, ये मतलब गौरी मैया को समर्पित है। हाँ, शक्ति को समर्पण है। ठीक है, गौरी बोलिए, दुर्गा बोलिए, आप इसको समर्पण। परंतु विशेष ये है पूरे भारत उसमें एकमात्र स्थान आपको यहाँ पर ऐसा मिलता है जहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ है, मात्र त्रिशूल की पूजा हो रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा स्थान आप कहीं भी जाइए आपको देखने को मिलेगा। और सामने जो काशी विश्वनाथ है उसकी क्या मान्यता है? देखो ये मूत्र काशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी काशी, अर्थात यह जो काशी है ये प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली काशी, इसको सौम्य वाराणसी के नाम से जाना जाता है। एक हमारा बनारस क्षेत्र हो गया, एक वाराणसी वहाँ हुई और एक गुप्त काशी हो गई, गुप्त काशी हो गई अभी केदारनाथ में, पर लेकिन मुख्यतः जो दो काशी मानी जाती है पूरब काशी उत्तर काशी। पूरब काशी मतलब इनको मानते हैं, वाराणसी क्षेत्र इनको मानते हैं। वरुणा और असी ये दो प्रकार की नदियां हैं जिनका संगम गंगा भागीरथी में होता है, वो कहीं भी हो किसी भी स्थान को उसको वाराणसी क्षेत्र मानते हैं। तो जिस प्रकार भगवान बनारस में है वाराणसी क्षेत्र में, उसी प्रकार यहाँ है, यहाँ असी गंगा है, वरुणा नदी है और बीच में सामने से जा रही गंगा भागीरथी, इसका जो बीच का क्षेत्र है हमारा ये काशी क्षेत्र है। तो ये मुत्र काशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी काशी, इस काशी में कई निवासन करते हो इंसान को मोक्ष प्रदान हो जाता है, ऐसा पुराण शास्त्रों का कहना है। और यहाँ के जो विश्वनाथ जी स्वयं रूप में शंभु के रूप में शंकर भगवान की जय।